हेलो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुनील कुमार थारू, और मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ नवरात्रि पूजा के जो नौवां दिन पूरे होने पर मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। तो आज मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को पूरे वीडियो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ नवरात्रि पूजा में मूर्ति को विसर्जित करने के लिए किस प्रकार से किस रास्ते से होकर जाना पड़ता है और क्या क्या होता है। डांस प्रोग्राम मतलब कि नाच गाना होते हुए जाता है। तो चलिए आगे जाकर देखते हैं, तो देखिए कि किस प्रकार से सामग्री को रखा जा रहा है माता जी को, मतलब कि पूरे स्थान को उठा कर ही रख दिया गया है। और कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पर देखें कि पूरा मतलब आदमी ही आदमी है मूर्ति विसर्जन के लिए, और यहाँ पर माता जी का स्थान रखा गया है, और आगे भी आगे पीछे चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से डांस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप सब देख रहे हैं कि अभी हम लोग निकल रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए। देखिए गाड़ी भी निकल गई, सब लोग निकल गए। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं। वीडियो आप देख रहे हैं ग्राम नरकटिया धोन की है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से गाड़ियों की कतार लाइन पर है, और जो कि निकलने के लिए है विसर्जन के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए हम धीरे धीरे आपको सभी वीडियो दिखा रहे हैं गाँव से निकलने की और विसर्जन। और चलिए आगे देखते हैं, आगे डांस भी हो रहा है। तो धीरे धीरे हम सब रिकॉर्ड करेंगे और सब आप देखिएगा। देखिए गाड़ी धीरे धीरे निकल रहा है, और जो डीजे है डीजे के पीछे एकदम पूरी तरह से जोरों शोरों से डांस प्रोग्राम चल रही है। I'm gonna make you mine.
I'm gonna go.